मेरे भाई, अंकुर मेरे भाई। बहुत ही प्यारा नजारा है अपने सामने। आपका ट्रैवलर पहुंच गया है पुण्य नगरी पंडरपुर में। बहुत ही बढ़िया बनाया है यार, पूरा महाराष्ट्र में एक विलेज का फील दिया है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गणपति बप्पा मोरिया पुढच्या वर्षी लवकरिया। तो आज से अपना तगड़ा ट्रैवल प्लान शुरू हो रहा है और पहले ही दिन मैं लेट हूँ। मतलब निकलना था 5 बजे और 4:45 बजे मुझे फोन आया कि तू रेडी है क्या। मैं बोला अभी उठाओ, कहाँ रेडी है। तो फटाफट निकलता हूँ क्योंकि ये जो ट्रैवल प्लान है ना वो 10 लोग के साथ होने वाला है पहली बार, तो अगर टाइम पे नहीं पहुंचा तो मार खा लूंगा। तो यहाँ से निकलता हूँ और वो वाले घर पे जाता हूँ क्योंकि कल सामान वो वाले घर पे रख दिया था मैंने। तो एक्टिवा लेके आया, एक्टिवा से वो वाले घर पे जाते हैं और अंकुर अपना इंतजार कर रहा है, अमय अपना इंतजार कर रहा है। तो ये 2 जन तो है अपने साथ और बाकी के और लोग कौन है वो जैसे जैसे आगे ट्रिप अपनी बढ़ती जाएगी ना आप लोगों को बता दो। पहले इधर से निकल लेता हूँ नहीं तो फट के खा लूंगा। कहाँ जा रहा हूँ वो गाड़ी में बैठने के बाद बता दो। बहुत बढ़िया ट्रैवल प्लान है। सुबह 4:45 बजे उठा हूँ और 5:15 बजे रेडी हो रहा हूँ, निकल रहा हूँ। इतना थक गया मैं कि बात करते हो मेरी सांस भी फूल रही है। पहली बार आधे घंटे में रेडी हो गया आपका ट्रैवलर। जहां मिले वहां पे मोटर व्लॉगिंग कर लो। यहां से वो घर पे जा रहे हैं, उधर भी मोटर व्लॉगिंग। कल रात को बहुत तेज बारिश हुई है तो मस्त ठंडा ठंडा है। चलो अभी फटाफट वहां पे पहुंचते। क्या तुम लोग लेट करते रहते हो, तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या? हाँ आधा घंटा लेट हो तुम लोग। भाई गाड़ी में अंधेरा है यार, हेलोजन लगाना पड़ेगा अपने को। तो गणपति का निकल के लाने का था ना। तो आज का अपना ये ट्रैवल प्लान, हम निकले हैं मुंबई से तिरुपति। अप्रोक्सीमेटली आ जाके 3000 किलोमीटर है। एन रूट काफी सारी जगह और काफी सारे टेम्पल्स एक्सप्लोर करने वाले। ये मेरा पहला ट्रैवल कॉन्टेंट रहेगा, पहला ट्रैवल प्लान रहेगा जहाँ पे मैं काफी सारे स्पिरिचुअल और डिवोशनल प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाला हूँ, टेम्पल्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ और उसमें तिरुपति। आहा बहुत ही बढ़िया। तो दूसरी गाड़ी वो भी इनोवा ही है, ये भी इनोवा ही है, 2 इनोवा लेके जा रहे हैं। तो दूसरी गाड़ी अपने लिए रुकी और वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि भाई तेरे से तू कैसे क्या लेट हो सकता है। मिला रहे अलार्म ही नहीं बजा, क्या करूं। लेकिन भाई 15-20 मिनट्स में रेडी हो गया हूं। उसमें शेविंग भी कर ली है, शेविंग भी मैनेज कर ली है। तो चलते हैं और ये खूबसूरत सा सफर एंजॉय करते हैं। एक अपना बंदा जो है ना वो अपने को पूना में मिलने वाला है। तो ऑल सेट, दोनों गाड़ियां, एक व्हाइट इनोवा, एक अपने अंकुर की इनोवा। मतलब मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ कि 10 लोग के साथ व्लॉगिंग करना है, क्योंकि क्या है वो लोग बोलेंगे अरे क्या चल जल्दी व्लॉगिंग, लेकिन आपको तगड़ा ट्रैवल कंटेंट मिलेगा। तो निकलते हैं, अभी फिलहाल 9 जन है पूना में, 1 जन 10 जन तिरुपति के दर्शन के लिए। अंकुर मेरे भाई, तूने बस कभी खरीद लिया? वो गाड़ी का पीयूसी नहीं है, इसके लिए वो गाड़ी गई है पीयूसी करने के लिए। और यहाँ पे अपना फूड कोर्ट। तो जब लॉन्ग ड्राइव पे निकलते हैं या बाइक पे निकलते हैं, बाय रोड निकलते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि वो गाड़ी का पीयूसी नहीं है। 3000 किलोमीटर हम लोग को ट्रैवल करना है टोटल, तो पीयूसी कंपलसरी है, इसके लिए वो गाड़ी पीयूसी कर रही है। फिर यहाँ पे कुछ फूड मॉल में खा लेंगे, भूख लगी है। तो अभी पहुंचे पूना और आज है ना पूना पूरा शांत रहेगा क्योंकि परसों ही गणपति बप्पा का विसर्जन हुआ है 10 दिन के गणपति का, जो कल तक चला था पूना में, न्यूज में आ रहा था कि कल दोपहर को पूरा विसर्जन कंप्लीट हुआ है। तो सब जन थक गए रहेंगे, तो अभी आज संडे तो सब जन सो रहे रहेंगे, तो पूरा पूना शांत रहेगा। तो एक्सपेक्टेड है कि ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो अभी अपना जो पूना का दोस्त है उसको पिकअप करते हैं। तो पूना का पार्सल पिकअप किया है अपन ने और सीधा वो आके बैक सीट पे सोने वाला है अभी बंदा अपना। तो ये जो अपना ट्रैवल प्लान है ना इतना खूबसूरत रहने वाला है क्योंकि इंडिया की साउथ साइड हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। 3 स्टेट्स क्रॉस करने वाले हैं, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो बहुत ही मजा आने वाला है। और ये मैं आप लोगों को अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुबह रह गया था, क्योंकि लेट हो गया था। तो
सिर्फ उठ के रेडी होके व्लॉग स्टार्ट करके निकल लिए और अभी रोड भी एकदम मक्खन है, गाड़ी अपनी चल रही है फिलहाल 120 पे, मजा आ रहा है बहुत। गाड़ी का मालक मुझे गाड़ी देके जिंदगी के मजे ले रहे, मस्त सो रहे। अंकुर मेरे भाई, अंकुर मेरे भाई। दस जन ने सुसु ब्रेक लिया है। yes. अभी कितना टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेटली? 5 मिनट या 10 मिनट? 10 मिनट में 10 जन का सुसु ब्रेक हो जाएगा। 9 मिनट्स 37 सेकंड्स में सबका सुसु ब्रेक हो गया है, तो कमलेश गलत था। नहीं मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं कितना टाइम लगा बट हो गया फटक से, अभी निकल रहे। और पंडरपुर है 120 किलोमीटर। बहुत ही प्यारा नज़ारा है अपने सामने, तो रुक के वो कवर करना बनता है, नहीं तो फिर ट्रैवल करने का मजा क्या है। सामने देखिए डैम के दरवाजे खोल दिए गए हैं क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही है पिछले हफ्ते से। आपका ट्रैवलर पहुंच गया है पुण्य नगरी पंडरपुर में, जहाँ पे विट्ठल भगवान का मंदिर है। और ये जो विट्ठल भगवान है वो महाराष्ट्र के आराध्य देवत है। और यहाँ पे जो मूर्ति है ना, अगर आप लोगों ने मेरा हम्पी का व्लॉग देखा रहेगा तो यहाँ पे जो मूर्ति है ना वो हम्पी से आई हुई है। यहाँ पे जब वहाँ पे वॉर हुआ था तो वहाँ के राजा थे, उन्होंने वो मूर्ति यहाँ पे भेज दी थी और तब से विट्ठल भगवान यहाँ पे बसते हैं। तो जाते हैं अभी दर्शन लेते हैं, पता नहीं कितना रश रहेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। तो ये अपना मेन टेंपल है विट्ठल भगवान का। और ये मार्केट है। क्या दर्शन हुआ है यार, मतलब अंदर का माहौल इतना प्यारा रहता है ना, मतलब आंखें भर आती है जब दर्शन लेते हैं आप पांडुरंग का। ये दुनिया में, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये वर्ल्ड में एक ही टेंपल जो भी है जहाँ पे आप एक्चुअली जाके पांडुरंग भगवान के, विट्ठल भगवान के पैर टच करके माथा रख के दर्शन ले सकते हैं। कोई भी टेंपल ऐसे नहीं है वर्ल्ड में जहाँ पे आप ऐसे करते बैरिकेड्स लगे रहते आप भगवान को छू नहीं सकते। ये गरीबों का भगवान है तो इसके लिए यहाँ पे उन्होंने वो सिस्टम चालू रखी है अभी भी कि आप जाके सर रख के भगवान के पैरों पे सर रख के छू के उनको, उनका दर्शन ले सकते, उनका आशीर्वाद ले सकते। और ये जो टेंपल है ना वो एक ही टेंपल है जहाँ पे विट्ठल और रुक्मिणी की मूर्ति जो है वो अलग अलग रखी गई है। अदरवाइज आप जो भी टेंपल में जाएंगे विट्ठल भगवान के तो विट्ठल रुक्मिणी साथ में रहते हैं, बट ये एक ही टेंपल है जहाँ पे अलग अलग मंदिर एक ही है बट अलग अलग जगह पे रखी है। तो अंकुर पहली बार आया है पंडरपुर, कैसे लग रहा है? तृप्त झाली आत्मा। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। तो अक्कलकोट में जा रहे हैं अभी। अक्कलकोट में स्वामी समर्थ महाराज जी का मठ है। मैं स्वामी समर्थ महाराज को बहुत मानता हूँ, मतलब आज जो कुछ भी हो ना उनके वजह से हूँ। तो यहाँ पे पहले रुकने का प्लान था, नाइट यहाँ पे स्पेंड करने वाले थे लेकिन दर्शन जल्दी हो गया तो अक्कलकोट जाएंगे, वहाँ पे मठ में जाके दर्शन लेंगे आज या कल देखते, बट आज की रात अक्कलकोट में रुकेंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। भाई सही लग रहा है एकदम, ये बहुत ही बढ़िया। तो अक्कलकोट यहाँ से 111 किलोमीटर है। माहौल एकदम बहुत 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 ज्यादा प्यारा हो गया, एकदम हल्का हल्का बारिश है जोर से, नहीं तो बहुत प्यारा लग रहा है। और अभी बज रहे शाम के 4, तो 6:15 बजे तक अक्कलकोट पहुंच जाने चाहिए। बाकी दर्शन बहुत बढ़िया हुआ।
ये अपने श्री स्वामी समर्थ महाराज और ये अपना होटल होटल अजिंक्य तारा। शाम के 6:15 बजे पहुंचे हैं अक्कलकोट, मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि स्वामी समर्थ का दर्शन लेने के लिए मैं इतना एक्साइटेड रहता हूँ, इतना प्यारा लगता है मुझे। तो शायद से अभी हम लोग मठ में जाएंगे और स्वामी जी के मठ में जाएंगे और दर्शन लेंगे, देखते हैं कैसे क्या है। अभी बज रहे 6:15, तो फ्रेश होते और अगर टाइम मिला तो आज ही दर्शन ले लेंगे, क्योंकि कल से महाराष्ट्र छोड़ने वाले हैं हम लोग। बहुत ही बढ़िया बनाया है यार, पूरा महाराष्ट्र में एक विलेज का फील दिया है। वहाँ पे दादी काम कर रही है, बिल्ली सोई है, बच्चा खेल रहा है, वाह वाह वाह, बहुत ही प्यारा। अब पता नहीं क्लाइमेट यहाँ पे ठंडा है, जबरदस्त। सब जन फ्रेश होके अभी हम जा रहे हैं स्वामी समर्थ के मठ दर्शन लेने के लिए। 8 बजे का आरती रहता है, अभी बज रहे 7, अगर आरती मिलेगा रहेगा चालू तो आरती अटेंड करेंगे। स्वामी समर्थ महाराज का दर्शन लेंगे, पहले लेडीज को जाने दिया है दर्शन लेने के लिए, इसके बाद हम लोग जाएंगे दर्शन लेने। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ, उसके अंदर वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर जाके किया नहीं, बट बहुत ही प्यारा दर्शन हुआ। आज का दिन बहुत ही शुभ, सब जन इतने खुश है ना, और अभी खाना भी बहुत बढ़िया हो गया। एक्चुअली मैं भूल गया दिखाने के लिए, हमें मेरे को बोला अरे तूने खाना तो शूट नहीं किया, मिला यार बहुत भूख लगी थी, खा लिया। और आज तो फर्स्ट डे है यार, और साउथ वाला खाना तो एक्सप्लोर करना बाकी है, तो वो सब तो आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी थक गए हैं क्योंकि सुबह 5 बजे निकले हैं, तो अभी जाके सो रहे हैं, और कल महाराष्ट्र से कर्नाटका में एंट्री होगी, तो वो वाले व्लॉग्स भी काफ़ी खूबसूरत रहने वाले हैं। तो आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, जो नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, लिव लाइफ, लव लाइफ, लव यू गाइस। 9:60 तो निकलते हैं, माहौल भी बहुत प्यारा हो गया अभी बजे। तू गाड़ी में